हेलो। हाँ राहुल, कहाँ पर है यार तू? अरे यार, मेरी तो आज बहुत बेइज्जती हो गई यार। मैं तेरी भाभी के साथ गया था आज रेस्टोरेंट यार। 3 साल का पूरे तरीके से ब्रेकअप हो गया यार। उसके साथ में उसकी फ्रेंड भी आई थी और गलती से यार उन्होंने मेरे कैब पे एकदम हाथ मारा, तो उन्होंने मेरा गंजापन देखा। और जिस टाइम गंजापन उन्होंने देखा ना यार, मैं तुझे बता भी नहीं सकता कि मेरे को कितनी बड़ी टेंशन हुई है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यार इस चीज़ को लेके कि मेरा आज पूरा तरीके से ब्रेकअप हो गया है यार। मैं इस कैब से मुक्ति चाहता हूँ यार। ये क्या करूँ मैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं यार, इतनी बड़ी कोई बात कोई हो गई है। और पहली बात तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे। जब आपको पता है कि आपने पैच नहीं लगवा रखा और आप कैब पहन के जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उनकी फ्रेंड उनके साथ आई है, आपको पता था इस चीज़ के बारे में, तो मजाक भी हो सकता है यार। उन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपका 3 से 4 साल पुराना प्यार है यार, उसके सामने आपकी बहुत बेइज्जती हो गई है और वो भी चली गई है आपको छोड़ के। उससे ब्रेकअप होने का पूरी तरीके से खतरा है, मगर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भाभी को मैं समझाऊंगा। और आपको तो पता ही है, 2 से 3 साल मेरे को भी पैच लगाए हुए हो गए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है पैच का, और बहुत ही बेटर तरीके से मैं अपने पैच को यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसके अंदर यार, इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपको। यार क्या समझाओगे तुम अपनी भाभी को? जो होना था वो तो हो गया ना। मैंने तुमसे कहा था कि यार बस मेरी भी थोड़ी सी लेट हो गया, मैं नहीं आ पाया, अर्जेंटली मुझे मिलना जाना पड़ा यार। तो मैं क्या करता, इस कैब का तो सारा लेना पड़ता यार। अभी इस कैब का सारा लेके मैं उसके साथ में मिलने चले गया। मुझे क्या पता था कि उनके साथ में उनकी फ्रेंड आएंगी, और फ्रेंड आने के बाद में उन्होंने मेरा एकदम, जैसे ही उन्होंने एकदम मेरा कैब हटाया, तो सबके सब एकदम शॉक रह गए, सबके सब एकदम परेशान रह गए कि मेरे बाल ही नहीं है सर पे। उन्हें पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। अभी मैं क्या करूं यार इस चीज़ को लेके? यार सबके सब हैरत हो गए गंजापन देख के। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं इसके अंदर। पहली बात तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको जाना था तो एक बारी कम से कम मुझसे तो बात करनी थी ना आपको। आपने मुझसे ही बात नहीं करी, और आपको पता है कि मेरा 3 से 4 साल हो गए यार पैच लगे हुए। मैं भी जाता हूँ यार, मैं भी घूमता फिरता हूँ, मैं भी डेट मारता हूँ यार। हर चीज़ चल रही है ना साथ में, सब कुछ हो रहा है ना, तो इतनी बड़ी कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। आप बिल्कुल ही परेशान हो मत हो, और हम दोबारा भाभी को सेटिस्फाई करने के लिए दोबारा पैच लगाएंगे और पैच लगा के दोबारा जाएंगे। और एक बारी जाने के बाद में फिर देखते हैं कि क्या होगा। वो मनाने के काम मेरा है, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपका यही कहना है कि मैं अब जब मिलूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, होने वाली वाइफ से, तो मतलब पैच लगा के मिलूँ, तो क्या वो मुझे पसंद कर लेगी अब इस हाल के अंदर? यार तुम्हारा कहना सही है कि वो मुझे पसंद कर लेगी। मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ दिल देखती हैं, और मगर यार मेरी आज जो बेइज्जती हुई है ना, मैं कभी भी नहीं समझ, मतलब कभी भी नहीं भूल पाऊँगा एक चीज़ को यार मैं, कि मेरा कैब लगा के जैसे उन्होंने मेरा कैब हटाया ना, इतना बड़ा फील हुआ ना यार, मैं नहीं बता सकता हूँ यार ब्रदर। मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मैं कितना, मुझे टेंशन हुई है चीज़ को लेकर। तो प्लीज़ यार मेरा कुछ कराओ यार, मेरा ब्रेकअप होने से मेरा बचा लो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से दूर चली जाए। तो प्लीज़ यार मेरा कुछ करो यार तुम यार, भाई यार मेरे लगाओ यार हेयर पैच, मुझे लेके चलो दोबारा उनके पास यार। कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो भाभी से मैं खुद पर्सनली बात करूँगा। और अभी हम चलते हैं, 1-2 दिन के अंदर मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और चलते हैं। हम अपना हेयर पैच लगाते हैं तुम्हारा, और तुम्हारा हेयर पैच लगाने के बाद तुम देखना यार तुम कितने स्मार्ट लगने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है मेरा भाई। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो इस चीज़ को लेके यार, क्योंकि मुझे पता है भाभी का दिल कैसा है, भाभी कैसी है, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से, ठीक है। और हम जब जाएंगे ना उनके पास में, जब तुम्हारे को हीरो बना के लेके जाएंगे ना, तो उसके अंदर एक अलग ही मज़ा आएगा, एक अलग ही बात आएगी। मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ 2-4 दिन के अंदर, फिर हम मिलते हैं भाभी से जाके, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी बात को कि आप कितने परेशान हो रहे हो। मैं मानता हूँ यार, मैंने भी हेयर स्टाइल बनाया है यार, मैं भी गंजा रहा हूँ, मुझे पता है कि गंजा रहने पे क्या फीलिंग हो आती है यार, मतलब कितनी शर्म आती है। ना तो हम कहीं पार्टी में जा पाते, ना किसी डेट पे जा पाते, ना किसी भी जगह पे नहीं जा पाते यार। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं जान सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं समझ सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी मैं 1-2 दिन के अंदर मैं आपको कॉल करता हूँ और फिर चलते हैं, फिर हम हेयर पैच लगा के फिर भाभी के साथ मिलने जाएंगे। ओके ओके बाय।